मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आलोक कुमार रावत शहर की प्रसिद्ध मिलन मिठाई में खाद्य पदार्थों की जांच करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता हसीब उर रहमान द्वारा सूचना दी गई थी कि उन्होंने 12 फरवरी को शाम में मिलन मिठाई से एक ब्रेड खरीदा था और जब 13 फरवरी को बच्चों ने इस ब्रेड को खाया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद जब उन्होंने ब्रेड देखा तो उस पर ना तो पैकिंग डेट थी ना ही एक्सपायरी डेट, जिसकी शिकायत खाद्य विभाग से की गई। वहीं उनकी शिकायत पर मिलन मिठाई से ब्रेड और अन्य खाद्य पदार्थ की जांच कर सैंपल लिया गया। अगर खाद्य पदार्थों में कुछ गलत पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। देखिए, हमने मिलन स्वीट्स एंड बेक्स की शॉप है गांधी चौक में, इससे एक ब्रेड खरीदा था 12 तारीख की शाम को 9 बजे। 13 तारीख को सुबह मेरी बच्चा बच्चे दोनों जो है उसको खाया। खाने के बाद उनका गले में दर्द होने लगा और उन दोनों का तबीयत नासाज हो गया। तो हम यहाँ आए मिलन के पास कि आपका ब्रेड खराब है और इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, मैनुफेक्चर डेट नहीं है। तो इन्होंने जो है मतलब आश्वासन यही दिया, गलती हो गया, दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं फूड से जान जोखिम में डालने वाली बात है, जीवन संबंधित मामला है। हमने शिकायत दर्ज कराया है मिलन मिठाई में। सर, शिकायतकर्ता हसीबुर रहमान द्वारा बताया गया कि उनका सैंपल ब्रेड का, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हुई, इस कारण से आज मिलन मिठाई से उनका ब्रेड का सैंपल लिया गया और जो भी निकल के आएगा उसमें मिलावट का तो खास सुरक्षा माना कार्य के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कार्रवाई और क्या जुर्माना? इसमें अगर ये मिसब्रांड आया तो इसमें 52 के तहत इनको 3 लाख या 5 लाख तक के जुर्माना है। है ना? आलोक कुमार रावत, खास सुरक्षा अधिकारी बुरहानपुर।